या डायबिटिक ड्रग्स के बारे में बात करूंगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायबिटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो शरीर से यूरिन की मात्रा को बढ़ा करके सूजन को कम करने का काम करती हैं, स्वेलिंग या इडिमा को कम करने का काम करती हैं डायबिटिक ड्रग्स। तो एलोपैथी में डायबिटिक ड्रग्स की बहुत वाइड रेंज है, वैसे ही हमारे पास भी होम्योपैथी में एक वाइड रेंज ऑफ डायबिटिक ड्रग्स अवेलेबल है। तो आइए देखें कि एलोपैथी और होम्योपैथी नेक टू नेक पैरलल किस तरह से हम लेकर के चल सकते हैं होम्योपैथी ड्रग्स को फार्मेकोलॉजी एज पर फार्मेकोलॉजी। तो सबसे पहले जो डायबिटिक ड्रग एलोपैथी में यूज होती है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर वे दवाएं हैं जो कि इंट्राऑक्युलर प्रेशर को कम करने का कार्य करती हैं। इंट्राऑक्युलर प्रेशर ग्लूकोमा के केस में बढ़ जाता है। ग्लूकोमा वो डिसीज है आंखों की जो कि परमानेंट ब्लाइंडनेस को लीड करती है। इसकी पैथोलॉजी में इंट्राऑक्युलर प्रेशर का इंक्रीज होना और ऑप्टिक नर्व एट्रोफी होना, ये दोनों पैथोलॉजी जो है जाती है। तो इंट्राऑक्युलर प्रेशर को कम करने के लिए जो दवाई एलोपैथी में यूज होती है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। जस्ट लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होम्योपैथी में दवा है प्रूनस स्पाइनोजा। प्रूनस स्पाइनोजा इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ ग्लूकोमा। प्रूनस स्पाइनोजा। द सेकेंड वन इज लूप डायोरेटिक्स। लूप डायोरेटिक्स वो दवा है एलोपैथी में जो कि नेफ्रॉन के असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करती है। यही पे वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है यूरिन फॉर्मेशन के समय। तो ये जो दवाएं हैं लूप डायुरेटिक्स वो पानी की मात्रा को बिना एब्जॉर्ब किए यूरिन का फ्लो बढ़ा देती है और इडिमा को कम करती है। तो लूप डायुरेटिक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्रग आती है वो है फ्रूजेमाइड। फ्रूजेमाइड और एथोक्राइनिक एसिड जो है एलोपैथी में लूप डायुरेटिक्स के अंदर आते हैं। इस लूप डायुरेटिक में हिपेटिक इडिमा, कार्डियक इडिमा, रिनल इडिमा, सभी जो अंग होते हैं जिनकी खराबी के कारण इडिमा देखने को मिलता है उस केस में फ्रूजेमाइड या लूप डायुरेटिक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग है या बहुत अच्छा काम करती हैं। तो होम्योपैथी में लूप डायुरेटिक्स के अंदर जो ड्रग आती है वो है लिएट्रिस स्पाइकेटा। लिएट्रिस स्पाइकेटा ऐसी दवा है जो कि सूजन को कम करने में, किडनी और लीवर के केसेस में सूजन को कम करने के काम आती है। और इसका इंडिकेशन जो ये होता है कि इसे बहुत मैसिव अमाउंट में अपने को यूज करना होता है। 10 बूंद नहीं, 20 बूंद नहीं, लगभग लगभग 80 बूंद सुबह और शाम लिएट्रिस स्पाइकेटा का यूज करने से किसी भी प्रकार की किडनी और कार्डियक इडिमा या लिवर इडिमा, लिवर सिरोसिस के केस में इडिमा जो होता है उसमें हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेरेब्रल इडिमा को कम करने के लिए ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स का यूज किया जाता है। ये ऑस्मोटिक डायुरेटिक ड्रग होती है मैनिटॉल। मैनिटॉल जो है वो सेरेब्रल इडिमा को कम करने का काम करती है। सेरिब्रल एडिमा, मेनिंजाइटिस, ट्रॉमा, इंजरी एट्सेट्रा कंडीशन, हाइपरटेंशन एट्सेट्रा कंडीशन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो बढ़ा हुआ रहता है तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने का काम करती है ऑस्मोटिक डायुरेटिक जो कि मैनिटॉल नाम से आती है। तो मैनिटॉल के पैरलर होती है हाइग्रोफिलिया स्पाइनोजा। हाइग्रोफिलिया स्पाइनोजा जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है होम्योपैथी में जो कि मैनिटॉल को रिप्लेस कर सकती है। तो बहुत सारी होम्योपैथी स्ट्रोफेंथस,
स्ट्रोफेंथस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, डायुरेटिक है इन केस ऑफ कार्डियक इडिमा। कार्डियक इडिमा यदि होता है पेशेंट को तो उसमें स्ट्रोफेंथस बहुत ही वंडरफुली काम करती है, बहुत ही ब्यूटीफुली काम करती है। तो ये थी कुछ रेंजेस ऑफ एपिस्मेल, और ये सब तो हम जानते ही हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। एपिस्मेलिफिका जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज होती है एडिमा के केस में। मैंने आपको कुछ रेयर मेडिसिन के बारे में बताई है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके बहुत काम का होगा। थैंक यू। दिस वीडियो इज एडिटेड बाय मिस्टर रोहित पटेल फ्रॉम पीसी इंफोटेक एंड प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर सृष्टि ठाकुर। सो गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you very much.